दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो में बात करेंगे रवीश कुमार की। रवीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल से कितना पैसा कमाते हैं आपको डिटेल में देने जा रहा हूं। बहुत सारे लोग हमारी इस वीडियो को देखेंगे और बोलेंगे कि इनके जो व्यूअर हैं वो चाइना से हैं। मेरे दोस्त, चाइना में यूट्यूब चलता ही नहीं है, पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में यूट्यूब चलता है, लेकिन पाकिस्तान वाले रवीश कुमार को देखेंगे क्यों? और बहुत सारे लोग कहते हैं चाइनीज़ कंपनियां इनको फंड देती हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं, चाइनीज़ कंपनियां भारत सरकार का ठेका भी चलाती हैं। बहुत सारे ठेके ऐसे हैं जो बड़े ठेके चल रहे हैं पूरे भारत में। कई ऐसी चाइनीज़ कंपनियां हैं, और जो आपके हाथ में मोबाइल है, हमारे हाथ में मोबाइल है, वो भी चाइना का ही है। तो ऐसे लोग हमारे चैनल पर आते हैं और बताते हैं कि रवीश कुमार देशद्रोही हैं, फलाना है, धमाका है। तो ऐसे लोगों से नमस्कार, मैं इनकी YouTube इनकम दिखाने जा रहा हूं, इनकी खूबियों को दिखाने जा रहा हूं। जो हिंदी पत्रकारिता में आप किसी एक व्यक्ति को पूरे हिंदुस्तान में नहीं निकाल करके खड़ा कर पाएंगे रवीश कुमार के सामने, चाहे वो सरकार का भक्त ही क्यों ना हो। सरकार की भक्ति करना पत्रकारिता का काम नहीं होता है, पत्रकारिता का काम होता है विपक्ष की आवाज़ को, जनता की आवाज़ को बुलंद करना, जनता की आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाना, और वही काम रवीश कुमार करते हैं। रवीश कुमार अपने दम पे, और एक बात और बता दूं, बहुत सारे लोग इनको मुसलमान कहते हैं, वास्तव में रवीश कुमार एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं। इनका जन्म बिहार में हुआ, और लगातार अपने दम पे पहले चिट्ठी छाटने का काम करते थे NDTV में। चिट्ठी छाटने से लेकर के संपादक के पद पर करोड़ों रुपए के पैकेज पर रहे। एक समय ऐसा आता है जहां पर सभी चैनलों को गोदी मीडिया बना दिया जाता है, चाहे आज तक हो, चाहे भारत TV हो, चाहे ABP News हो, चाहे India TV हो, जहां पर आपको लगातार G News हो, मोदी भक्ति के अलावा कुछ नहीं दिखाया जाता है। आपकी खबरें गायब कर दी जाती हैं, आपके बेरोजगारी के मुद्दे को, महंगाई के मुद्दे को गायब कर दिया जाता है, लगातार आपको धर्म के जाल में उलझाया जाता है। वहीं पर रवीश कुमार एक कोने में खड़े होकर के, हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड आपको दिख रहा होगा जिसकी कीमत लाखों रुपए में है, इनके पास भी बहुत सारी संपत्तियां होंगी, लेकिन एक दीवार के कोने में खड़े होकर रवीश कुमार बोलते हैं। और चाहे NDTV के TV पर काम करते रहे हों उसी कमरे से, चाहे उसी जगह से आज YouTube पर 80 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन कर लिए हों, तो YouTube चैनल से कितनी कमाई करते होंगे? क्या NDTV से ज़्यादा कमाई है? हाँ है, मैं बता रहा हूँ है, और आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। और YouTube के अलावा Facebook से भी कमाई है, मैं भी कमाता हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ, मैं भी कमाता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, YouTube पर जब आए तो इन्होंने केवल बोला मैंने इस्तीफा दे दिया है एक वीडियो के माध्यम से। वो वीडियो इनकी कई मिलियन में देखी गई, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ रवीश कुमार का यूट्यूब चैनल। पहले आप देखिए रवीश कुमार के यूट्यूब चैनल पर कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने लोग देखते हैं, और हिंदुस्तान के ही लोग देखते हैं, हर जाति मजहब बिरादरी के लोग देखते हैं। बहुत सारे लोग इसको हिंदू मुसलमान में बहुत जल्दी बांटने लगते हैं, हिंदू मुसलमान का खेल बहुत जल्दी उजागर करने वाले रहते हैं। अभी आज की बात बताऊं, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो यहां पर मैं आपको दिखा दूं, इन्होंने भी वीडियो बनाया था इस पर, नफरत के नाम पर मुस्लिम नाम का सहारा, काम मिश्रा का नाम जुबैर का। इसमें एक राजपूत रहते हैं, एक मिश्रा जी रहते हैं, और एक तिवारी जी रहते हैं। आप सोचिए, जो धमकी दी जाती है योगी आदित्यनाथ को उड़ा देने की, राम मंदिर को उड़ा देने की, और जब उनकी जांच होती है, STF जांच करती है, पुलिस जांच करती है, तो मिश्रा जी निकलते हैं, तिवारी जी निकलते हैं, ठाकुर साहब निकलते हैं। क्या हो रहा है देश में, बताइए? रवीश कुमार अगर इस पर वीडियो बनाएंगे तो लोग उनको क्या बोलेंगे? देश विरोधी। रवीश कुमार को बोला जाएगा, इनके ऊपर गोदी मीडिया डिबेट नहीं करती है। देख सकते हैं बीजेपी आईटी सेल के लड़के, जो बहुत अच्छा संस्कार BHU जैसे संस्थान को बदनाम किए, बहन बेटियों के साथ गलत काम करते हैं, और इनको 60 दिन लग जाती है पुलिस को गिरफ्तार करने में,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्फी की पोल खोली तो अफसर का हो गया तबादला। जो झाड़ू लगाई जाती है, लोग सेल्फी लेने के लिए झाड़ू लगाते हैं, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर नफरत के लिए मुस्लिम नाम का सहारा मैंने दिखा दिया। सरकार का दाम घटने से इनकार, फिर कैसे छप गई खबरें। खबरें छप रही हैं कि पेट्रोल का दाम सस्ता हो रहा है, सरकार कह रही है सस्ता ही नहीं हो रहा है, तो गोदी मीडिया कैसे दिखा रहा है आप सोचिए। सरकार खुद कह रही है, मंत्रालय खुद कह रहा है कि हम तो सस्ता ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अगर देश में गलत कहा जाएगा तो हो सकता है हम गलत हो सकते हैं, आप गलत हो सकते हैं, सभी लोग गलत नहीं हो सकते हैं। इनकी वीडियोस पर मिलियन व्यूज़ आते हैं और आपको मैं दिखाना चाहता हूं इनका वीडियो सबसे ज़्यादा कौन चला हुआ है। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, 9.7 मिलियन, यानी कि 97.7 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, आप समझ समझिए लगभग करोड़ लोग इसको देखने वाले हैं। और मैं बात करता हूँ आपको यहाँ पर इनके चैनल पे कमाई कितना होती है। सोशल ब्लेड नाम की वेबसाइट है, बहुत से लोग कहते हैं फर्जी बताता है, जो चैनल कमाई नहीं करता वो भी बताता है, उसका भी बताता है। मैं आपको बता दूँ, व्यूज के हिसाब से बताया जाता है, और यहाँ पर जो व्यूज के हिसाब से बताया जाता है वो एक अनुमानित होता है। और इन लोगों की जो लोग वीडियो देखते हैं, चाहे रवीश कुमार की वीडियो देखें, चाहे अजीत अंजुम की वीडियो देखें, चाहे गोदी मीडिया की वीडियो लोग ना देखते हों, आज हमारे कई मित्र ऐसे हैं, मैं हूँ उसमें, एक दादाजी कल मिल गए, कहन बेटवा हमारे यहाँ तो टीवी चलता ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है साला क्या दिखाएगा, यही यूट्यूब देखते हैं बस। तो इन लोग की जो वीडियो देखते हो पूरी वीडियो देखते हैं, पढ़ाई लिखाई की वीडियो लोग पूरी नहीं देखते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो मैं इनका चैनल ओपन करके दिखा रहा हूँ, लगभग हम लोगों जैसी वीडियो में, हम लोग जैसे छोटी वीडियो बनाते हैं, 1,000 व्यू पे, 3,000 व्यू पे $1 आता है। और अभी मैं अपना भी दिखाऊंगा इनके बाद, रवीश कुमार की जो वीडियो होती है आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा, और लोग इनकी पूरी वीडियो को देखते हैं। अब आप हमारी वीडियो को पूरी ना देखें, लेकिन जो लोग रवीश कुमार की वीडियो को देखते हैं पूरी वीडियो देखते हैं, क्योंकि तार्किक बातें होती हैं वहाँ पर। 2022 में चैनल बनाया जाता है, देश में कितने भी चैनल हों 72वें नंबर पर रैंक चल रहा है, न्यूज़ में जितने चैनल हों उसी न्यूज़ में आज तक भी आता है, जहां पर करोड़ों का प्रोग्राम सेट होता है, जहां पर टाइपिस्ट, जहां पर तमाम बड़ी बड़ी एंकराइन पहुंचते रहते हैं, करोड़ों अरबों का पैकेज होता है, बड़ा स्टूडियो होगा जहां पर सरकार को सरकारी विज्ञापन मिलता है, यूट्यूब पर सरकारी विज्ञापन नहीं मिलता है। और मैं बता दूँ देश में, कंट्री में 276वें नंबर पर रैंक कर रहा है इनका चैनल। और मैं बता दूँ बी प्लस का डिग्री है, 381 वीडियो हैं, 8.06 मिलियन का मतलब होता है 80 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, ध्यान दीजिएगा। और इनके हर महीने इनके चैनल पे 1.5 लाख सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सी कमी आई हुई है, क्योंकि एक इकोनॉमिक्स का नियम है, कोई भी चीज़ अचानक उठती चढ़ती है तो नीचे भी आती है, इसलिए नीचे आती है। 24.5% व्यूज भी कम आए हैं, क्योंकि अभी आप समझ सकते हैं 42 मिलियन लोग इनकी वीडियो को देखे हैं 30 दिनों में, 10,700 की देखिए कमाई जो है अनुमानित है। मैं आपको बता दूं 10,700 के इनके चैनल पे आता है महीने में, के मतलब हजार, $1 की कीमत 83 रुपया, 8,88,000 रुपया न्यूनतम कमाई होती है। मैं आपको बता दूँ 8,88,000 रुपया न्यूनतम कमाई होती है, $1,70,000 है, $1,70,500 है, $500 छोड़ दो, 83 रुपए से गुणा कर दो, 1,41,10,000, 1,41,10,000 रुपये की कमाई यहां पर होती है। मिनिमम आप मान लीजिए, मैक्सिमम आप मान लीजिए, जो आपको मानना है वो मान लीजिए। करोड़ अगर मिनिमम 8 से 9 लाख दे रहा है, मैक्सिमम करोड़ में दे रहा है, तो 20 से 25 लाख रुपया महीना तो कमाते ही हैं। वैसे भी अगर आपको कैलकुलेशन करना हो तो आपको भी मैं दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। साल भर की कमाई दी गई है, देख सकते हैं एक एक दिन की कमाई, $382, 382 का गुणा अगर आप 83 रुपये से कर देंगे तो 31,000 रुपया, $776, 776 का गुणा 83 रुपये से कर देंगे तो 64,000 रुपया, $815,
815 डॉलर गुड़े 83 रुपए से कर देंगे तो 67,000 रुपया एक दिन में पैसा नहीं कमा रहे हैं। बड़ा संघर्ष किया है इन लोगों ने, बड़ी मेहनत की है इन लोगों ने। तो अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हैं, आप ईमानदारी रखिए, आप अपने काम के प्रति मेहनती बनिए, संघर्ष करिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया, आपकी क्या राय है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।